उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खाते में जल्द ही एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है, रीजनल स्टेडियम और सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम के अलावा शहर में जल्द ही तीसरे स्टेडियम का निर्माण शुरू हो जाएगा। यह स्टेडियम शहर के सुभाष चंद्र बोस नगर में स्थित नगर निगम की 9 एकड़ जमीन पर बनेगा। नगर आयुक्त अविनाश सिंह के मुताबिक इसके लिए नगर निगम की ओर से कार्य योजना शुरू कर दी गई है, जल्द ही इसका बजट बनाकर शासन को भेजा जाएगा। बजट स्वीकृत होते ही स्टेडियम के निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। स्टेडियम में होगी यह सुविधाएं, स्टेडियम पूरी तरह हाईटेक होगा जिसमें सभी तरह के खेलों के ग्राउंड और कोच की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही यहाँ बड़े मैदान और ट्रैक के अलावा पार्किंग, हॉस्टल, कैफेटेरिया, सभी तरह के इंडोर गेम, टेनिस टेबल, जिमनास्टिक, बैडमिंटन सहित अन्य सभी खेलों की व्यवस्था और उसके खिलाड़ियों के रहने का हॉस्टल भी व्यवस्था किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस स्टेडियम का निर्माण पूरी तरह से एकोना स्टेडियम के तर्ज पर होगा। हालांकि एकाना के निर्माण में करीब 360 करोड़ रुपए का बजट खर्च हुआ था, लेकिन इस स्टेडियम में महज 75 से 100 करोड़ रुपए के ही बजट में तैयार कर लिया जाएगा।